नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, कपिल सर की रिसर्च मेथडोलॉजी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट थ्रू एसपीएसएस, यानी कि जब हम एसपीएसएस से कुछ टेस्ट लगाने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या अजम्पशन है, कौन से टेस्ट की क्या अजम्पशन है और किन कंडीशनों में हमको कौन सा टेस्ट लगाना है। तो याद रखें कि जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो बहुत हैं और हर टेस्ट अपनी अजम्पशन पर लगता है, यानी कि जहाँ जिस टेस्ट की गुंजाइश है वहाँ वही टेस्ट लगता है। इसके अलावा आप ज़बरदस्ती कोई और टेस्ट इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जब भी आप कोई टेस्ट लगाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो टॉपिक क्या है, हम अजम्पशन देखेंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस की। जब हम रिलायबिलिटी एनालिसिस करें तो क्या अजम्पशन होना चाहिए, नॉर्मलिटी, काई स्क्वायर, टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन और फैक्टर्स। ये वो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट हैं जो आपके किसी भी एक रिसर्च पेपर में इन बहुत काम आते हैं। आप यदि आपने ये सारे टेस्ट यदि सीख लिए तो आप काफ़ी समय तक अच्छे रिसर्च पेपर बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और आपको ये सारे टेस्ट सीखने चाहिए। और टेस्ट सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किस टेस्ट को किस टेस्ट की क्या अजम्पशन है और कहाँ किन कंडीशन में हमको कौन सा टेस्ट लगाना है। यानी कि यदि जहाँ पर कोरिलेशन की गुंजाइश है वहाँ आप एनोवा नहीं लगा सकते, जहाँ टी टेस्ट बन रहा है वहाँ पर आप कोरिलेशन नहीं लगा सकते, यानी कि हर टेस्ट की अपनी अजम्पशन होती है और वो उसी पर ही लगाया जाता है। आप ये देखेंगे और मेरे बिल्कुल ही आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो वीडियो है उसको आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ एक परफेक्ट क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर के ऊपर मैंने कुछ अजम्पशन आपको दिखाऊंगा, ताकि कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हम एक क्वेश्चनर बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किस प्रश्नों के बीच में कौन सा टेस्ट लगेगा, तो आप एक अच्छा क्वेश्चनर भी डिजाइन कर पाएंगे और एडिट करके परफेक्ट क्वेश्चनर बना पाएंगे, जिस पे आपको कभी डेटा कलेक्शन के बाद कभी भी टेस्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करें हम पहली अजम्पशन। तो अजम्पशन असल में कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशनों को डेटा फुलफिल करता है और तब जाके हम वो टेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी टेस्ट का पर्पज़ क्या है और इसमें क्या अजम्पशन होती हैं। तो रिलायबिलिटी टेस्ट हम लोग ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि जो हमने क्वेश्चनर लिया है डेटा कलेक्शन के लिए वो क्वेश्चनर के सारे प्रश्न जो है वो रिलायबल हैं या नहीं है, या ओवरऑल क्वेश्चनर जो है वो रिलायबल है या नहीं है, ये चेक करना पड़ता है हमें। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो प्रश्न लिए वो हमें एक्यूरेट डेटा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए एक वैल्यू निकल के आती है, क्रोनबेक अल्फा, गटमैन, स्ट्रिक्ट, पैरेलल, पैरेलल, स्प्लिट हाफ, ऐसी पांच छह वो पांच ही टेस्ट हैं जिनमें कुछ वैल्यू निकल के आती है। अगर वो वैल्यू आपकी कट वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो तो हम रिलायबल मानते हैं, उससे कम हो तो नॉट रिलायबल। लेकिन कंडीशन ऐसी आती है कि अगर वो रिलायबल नहीं है तब भी उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसको उसकी रिलायबिलिटी को गिराते हैं, कम करते हैं, तो उन प्रश्नों को ड्रॉप करके आप रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अजम्पशन क्या है इसकी, आपको जो भी है आपके पास डेटा वो आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका डेटा जितने कलेक्ट किया है आपने जो वो आपका मल्टीपल लिकट स्केल के क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, यानी आपने जितने भी प्रश्न यूज किए हैं उनमें डेटा आपने लिया उसमें सारा का सारा जो डेटा है वो लिकट स्केल का होना चाहिए, उसमें सारा जो डेटा है वो आपका ऑर्डिनल या फिर आपका ऑर्डिनली होना चाहिए, रैंकिंग या रेटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपके पास कैसा है लिकट टाइप के क्वेश्चनों का डेटा होना चाहिए तभी आप उस पर रिलायबिलिटी लगाएंगे। यदि आपको अभी ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लास्ट में ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि आपके पास सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसमें आपके जो प्रश्न है वो मल्टीपल लिकट स्केल के होने चाहिए, स्ट्रांगली एग्री से डिसएग्री होने चाहिए, ठीक है, या इससे ही मिलता जुलता कोई और स्केल के आप सारे प्रश्न होने चाहिए। आगे मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा और अच्छे से। तो यदि दूसरी बात हम देखें नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का पर्पज़ क्या है, हम ये देखते हैं जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो जो डेटा है डेटा वो कितना वैलिड है या नहीं है। जैसे हमने ऑर्डिनल स्केल का डेटा लिया है, ऑर्डिनल स्केल का, तो वो हम ये देखना चाहते हैं कि वो बाकी में डेटा वैलिड है या नहीं है, या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, यानी कुल मिला के हम लोग यहाँ पर डेटा की स्क्यूनेस चेक करते हैं कि डेटा स्क्यूड तो नहीं है,
यदि वो उसमें नो स्क्यूनेस है तो हम मानते हैं डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके लिए अजम्पशन क्या है कि आपको जो भी डेटा चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस टाइप का, यानी कि वो आपका इंटरवल डेटा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, हमने प्रश्न जैसे हमने मान ली कोई 10 प्रश्न पूछे एडवर्टीजमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट के, उनमें स्ट्रांगली अग्री से डिसएग्री तक के सारे प्रश्न थे, लेकिन हमारे पास जो इंडिविजुअल अगर प्रश्न की बात करें तो वो हमारा ऑर्डिनल स्केल कराएगा। लेकिन इन प्रश्नों को जब जोड़ दें, इन 10 प्रश्नों को एक रिस्पॉन्डेंट का जोड़ करके स्कोर बनाते हैं तो वो आपका इंटरवल कहलाने लगता है। और इसी तरह से 200 लोगों का हमने सभी प्रश्नों को जोड़ जोड़ करके एक 200 का डेटा बना दिया तो 200 का डेटा हमारा इंटरवल डेटा कहलाएगा। तो इस तरह का डेटा हमको चाहिए तभी हम इस पर नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं। तीसरा आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टीटस। इंडिपेंडेंट सैंपल टीटस और एनोवा में लगभग सिमिलर अजम्पशन है और इनका जो पर्पज है वो भी लगभग सिमिलर है, बस माइनर सा डिफरेंस है। और आप ये समझ लीजिए, ये क्या करता है, टू फाइंड आउट मीन डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट कैटेगरी ऑन इंटरवल डेटा। यानी कि ये क्या करता है कि जो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, दो अलग अलग कैटेगरी का किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या सॉरी किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी एक कंटिन्यूस डेटा के ऊपर सिमिलर और डिफरेंट इम्पैक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो कैटेगरी हमारी हमारे पास, उन दो कैटेगरी का किसी भी फिनोमेना पर हम प्रभाव चेक करते हैं कि उस फिनोमेना पर दोनों कैटेगरी का सिमिलर प्रभाव पड़ता है या नॉट सिमिलर इम्पैक्ट पड़ता है, ये चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं। और कैसे हो सकते हैं, जैसे हम लोग जेंडर का ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर लगा सकते हैं, तो जेंडर में दो कैटेगरी मेल फीमेल और ऑनलाइन शॉपिंग आपका क्या है, एक फिनोमेना है, तो इनके ऊपर हम लोग देखना चाहते हैं मेल फीमेल ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के एक जैसा परसेप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपकी आप उस तरह के टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके अजम्पशन क्या है, आपको दो बैरल की जरूरत पड़ेगी, क्यों, और एक बैरल आपका क्या होगा, जैसे हम टेस्ट बैरल बोलेंगे, और वो किस टाइप का होना चाहिए आपका, वो इंटरवल डेटा होना चाहिए, राइट। दूसरा बैरल कैसा होना चाहिए आपका, जैसे हम ग्रुपिंग बैरल बोलेंगे, वो आपका कैसा होगा, कैटेगरिकल, यानी जिसमें सिर्फ कैटेगरी होनी चाहिए नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, यानी कि वो नॉमिनल भी है या ऑर्डिनल कोई भी डेटा हो लेकिन उसमें कैटेगरी होनी चाहिए। और याद रखें जो कैटेगरी रहेंगे वो आपकी कैसे रहेंगे, डाइकोटोमस, यानी कि मात्र दो कैटेगरी होनी चाहिए, जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका ग्रुपिंग वेरिएबल है उसमें मात्र दो कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे मेल फीमेल, रूरल अर्बन, इस टाइप की दो कैटेगरी होनी चाहिए, लिटरेट या इलिटरेट, ठीक है, तो इस तरह की दो कैटेगरी होनी चाहिए। और आदि आपका वो दूसरा जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, टेस्ट वेरिएबल, टेस्ट वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो आपका शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि वो डेटा आपने जो टेस्ट वेरिएबल में जो डेटा यूज कर रहे हैं पहले उसकी नॉर्मलिटी चेक करें, वो डेटा में स्क्यूनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पर टेस्ट लगा सकते हो। तो दो इसकी बेसिक अजम्पशन है। और आपका तीसरा आता है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा मैंने बताया सेम है, इसमें मैं लोग क्या करते हैं, टू फाइंड आउट मीन डिफरेंस बिटवीन मोर देन टू, अभी हम लोग क्या करते हैं ओनली टू कैटेगरी, मोर देन टू डिफरेंट कैटेगरी ऑन इंटरवल डेटा, यानी कि हम लोग बहुत सारी कैटेगरी का किसी एक फिनोमेना के ऊपर प्रभाव देखते हैं कि सभी का सिमिलर प्रभाव है या सभी का सिमिलर प्रभाव नहीं है, या किसी दो कैटेगरी का प्रभाव पड़ रहा है या किसी एक कैटेगरी का प्रभाव पड़ रहा है या किसी भी कैटेगरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग वन वे अनोवा लगाते हैं। जब टू कैटेगरी थी तो हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट सैंपल टीटर लिया, जब मोर देन टू कैटेगरी तो हमारा एनोवा में कन्वर्ट हो गया वो। और अब आपके पास क्या है, दोनों में से आपको वही दो वेरिएबल चाहिए, एक आपका इंटरवल नेचर का होना चाहिए जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और दूसरा आपका कैसा होना चाहिए, ग्रुपिंग वेरिएबल होना चाहिए या फिर फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए, जे और वो आपको कैसा होना चाहिए, नॉन डाइकोटोमस, यानी कि दो चॉइस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3, 4, 5 या मोर देन 3 कैटेगरी आपकी उसमें होनी चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए आपका, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और फ्री फ्रॉम आउटलायर। आउटलायर क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी रिस्पोंडेंट का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को हम लोग आउटलायर बोलते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे दिए उसने या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दे दिए तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहलाता है, तो ऐसे लोग डेटा के अंदर आउटलायर के नाम से जाने जाते हैं, तो हमें उनसे फ्री रखना चाहिए अपना पूरा डेटा। अब हम बात करेंगे बेसिक अजम्पशन ऑफ पेयर्ड सैंपल टीटस। पेयर्ड सैंपल टीटस कब यूज होता है, ये किसी भी फिनोमेना का प्री और आफ्टर का इफेक्ट देखने के लिए हम लोग ये टेस्ट यूज करते हैं। जैसे हम लोग सपोज करें कि हमने कोई भी एक वैक्सीन ली, या वैक्सीन के पहले हम लोग
उसका प्रभाव देखें, और वैक्सीन के बाद उसका प्रभाव देखेंगे, तो हम लोग इसमें ये टेस्ट लगाएंगे। लेकिन जब हम बिहेवियरल स्टडी की बात करें, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग से पहले हमने सेम ऑडियंस से एक डेटा कलेक्ट किया और फिर हमने एक ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के बाद उसी ऑडियंस से दोबारा से डेटा कलेक्ट किया और फिर हमने कंपैरिजन किया कि जो पहले और बाद में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा ट्रेनिंग का, तो हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए हमको पेयर सैंपल टेस्ट लगाते हैं, यानी कि प्री और आफ्टर के बीच में, यानी कि सेम वेरिएबल के ऊपर या सेम टाइप के क्वेश्चनायर के ऊपर प्री और आफ्टर का जो इम्पैक्ट देखने के लिए हम लोग पेयर सैंपल टेस्ट लगाते हैं। सपोज कि ये 10 प्रश्न आपने पहले पूछे किसी ट्रेनिंग से, फिर वही 10 प्रश्न हमने ट्रेनिंग के बाद पूछे और उनका जोड़ और उनका जोड़ यानी कि दोनों का लेटेंट वेरिएबल बना करके हमने कंपेरिजन किया। इसके लिए आपकी एजम्पशन क्या है, आपको 2 वेरिएबल चाहिए और दोनों के दोनों लेटेंट चाहिए आपको, यानी कि दोनों में जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, आपका इंटरवल टाइप का डेटा होना चाहिए, कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए, ठीक है, और वो भी सेम टॉपिक पे होना चाहिए सारे प्रश्न, ठीक है। और लेकिन इसमें से आपका जो एक वेरिएबल है वो आपका बिफोर का कलेक्शन होना चाहिए और एक वेरिएबल जो है वो आपके आफ्टर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का बाद का होना चाहिए, यानी प्री और आफ्टर का आपका होना चाहिए, दोनों अलग अलग वेरिएबल, यानी प्री का एक आफ्टर का, और दोनों दोनों के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बेसिक अजम्पशन ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के लिए और रिग्रेशन की ज़्यादातर सिमिलर अजम्पशन है, लेकिन कोरिलेशन आपका कभी यूज होता है, सिर्फ आप इतना इम्पैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दोनों के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि ये आपको बताएगा कि दोनों में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कोरिलेशन हो सकता है 2 बैरल के ऊपर, ठीक है। और इसके अजम्पशन क्या है कि आपको दोनों बैरल कैसे होने चाहिए, इंटरवल यानी कि पेयर सैंपल की सैंपल की तरह होना चाहिए, लेकिन वो प्री और पोस्ट थे, यहाँ आपके दोनों अलग अलग बैरल हो सकते हैं, जैसे सेल्स या सेल्स और एडवर्टीजमेंट या सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो 2 अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों में डेटा आपका कंटिन्यूस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, और दोनों की आपकी क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम आउटलायर होने चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ 1 वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ये हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ ये क्या बताता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर प्रभाव को बताता है, वो भी परसेंट फॉर्म में कि कितना प्रतिशत एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी एडवर्टीजमेंट एक वेरिएबल दूसरा सेल्स, तो वो ये बता देगा कि एडवर्टीजमेंट सेल को 25%, 40%, 50% कितना प्रभावित कर रही है और कर भी रही है या नहीं भी कर रही, तो ये सारी चीज़ें बताता है डिग्री के साथ। तो इस तरह के टेस्ट लगाने के लिए हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है, ये 2 अजम्पशन तो आपके बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो कोरिलेशन के, यानी कि आपको 2 वेरिएबल चाहिए, दोनों में लेटेंट या कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए, लेकिन एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा डिपेंडेंट, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर प्रभाव बताता है। तो यदि आपको इस तरह के टेस्ट लगाने, जहाँ पर एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर प्रभाव निकालना है, तो आपको रिग्रेशन यूज करना है और दोनों वेरिएबल आपके कैसे होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए और फ्री फ्रॉम आउटलायर होने चाहिए। और इसके साथ कुछ और हैं, लीनियर रिग्रेशन वो रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि आप इसमें कर्वुलर फिट चेक करेंगे कि आपका जो कर्व है वो कैसा फिट आ रहा है, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का कर्व आना चाहिए, वो आर वैल्यू से आ रहा है, आर स्क्वायर वैल्यू से आ रहा है, तो आपको इस तरह से पहले एक अजम्पशन चेक करनी पड़ेगी। दूसरी आपकी डार्विन बार्टसन से नो ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए बैरल के बीच में। तीसरा आप देखेंगे नो या लिटिल मल्टीकोलिनिटी होनी चाहिए, बी आई वैल्यू आपकी 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए, तो ये बताती है कि उनके बीच में कोई मल्टीकोलिनिटी नहीं है, ये हमेशा ज़्यादातर मल्टीपल रिग्रेशन में यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें लीनियर में भी चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कई होते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, ये कुछ मायने रखते हैं, आप यही अजम्पशन देखें और आप रिग्रेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक अजम्पशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, तो वो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या है इसका पर्पज, टू फाइंड आउट मल्टीपल इम्पैक्ट ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल ऑन 1 वेरिएबल, यानी कि हमारे पास कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनका हमको एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव निकालना है। हमारी स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर
हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव निकालेंगे और हम पता लगाएंगे कौन सा वेरिएबल ज़्यादा प्रभावित करता है, कौन सा कम करता है, कौन सा बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आपको एनालिसिस करना होगा तो आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज करेंगे। आप स्टेप मेथड यूज कर सकते हैं, आप एंटर मेथड यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए जो सूटेबल है आप वो करें। लेकिन इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है, वी नीड मोर देन टू वेरिएबल, जिसमें आपको दो सारे सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए, कंट्रोल डेटा होना चाहिए, पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और रेस्ट ऑफ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। सभी के सभी आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, फ्री फ्रॉम आउटलायर होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो ज़्यादातर में यूज होती है। फिर आपके सब में लीनियर रिलेशन, वही नो ऑटो कोरिलेशन, डरविन वाटसन वैल्यू आप चेक करेंगे, नो मल्टी कोलिनियरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ काय स्क्वायर टेस्ट। तो काय स्क्वायर टेस्ट कब यूज होता है, कि जब हम मीन डिफरेंस चेक करते हैं ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के बीच में। यानी कि हमारे पास दो कैटेगरियल डेटा हैं और दोनों कैटेगरी का दूसरी अन्य कैटेगरी के ऊपर हम प्रभाव निकालते हैं। इसमें डाइकोटोमस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यदि डाइकोटोमस है तो ठीक है, नॉन डाइकोटोमस है तब भी हम कैटेगरी से कैटेगरी के बीच में जब कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप निकालेंगे तो हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। और इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है, हमें दो वेरिएबल चाहिए, दोनों में कैटेगरी होनी चाहिए, यानी कि दोनों नॉमिनल या ऑर्डिनल टाइप का डेटा होगा आपका। नॉमिनल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और रिस्पॉन्डेंट, नॉमिनल ऑर्डिनल रैंकिंग और रेटिंग। ठीक है, तो यानी कि जब कैटेगरी से कैटेगरी के बीच में हम कुछ भी कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप निकालें तो सिर्फ और सिर्फ काय स्क्वायर की विंटेज यहाँ पर बनती है। और नॉर्मली हम लोग देखें तो जो जितने प्रश्न होते हैं इसमें यस नो, या बहुत से लोग जो बिगिनर होते हैं वो हमेशा ऐसे प्रश्न यूज कर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ काय स्क्वायर ही बन सकता है। तो याद रखें, काय स्क्वायर आप देखें कि आपको काय स्क्वायर लगाना तभी आप उस तरह की कैटेगरी रखें। मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे हुआ है। फिर आती है बेसिक अजम्पशन ऑफ फैक्टर। इसकी पूरी अजम्पशन आपकी रिलायबिलिटी की तरह ही है, बस इसमें क्या करता है, पर्पज क्या है इसका, ये एक डेटा रिडक्शन टेक्निक है और ये यूज होता है किसी भी डेटा के ग्रुप बनाने में, यानी किसी भी डेटा को ग्रुप में डिवाइड करने पर करने के लिए इसको यूज होता है। और ये ग्रुप हमेशा आइगन वैल्यू या फैक्टर लोडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रुप आपके बन के आते हैं। यानी कि हमने एक डेटा लिया और उस डेटा के जितने भी स्टेटमेंट थे उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करने के लिए ये इस तरह का टेस्ट यूज होता है, जो आपको बन जाता है कौन सा फैक्टर किस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फिनोमेना को ज़्यादा प्रभावित करता है और उसके साथ कितने स्टेटमेंट्स में कनेक्ट है। तो इस तरह के टेस्ट जब भी आप लगाएं तो आप फैक्टर एनालिसिस यूज करें। और ये क्या है, हम लोग जब इसकी अजम्पशन बिल्कुल रिलायबिलिटी की तरह, सारा का सारा आपका क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, इसमें मल्टीपल जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिकट स्केल के होने चाहिए। ठीक है, और आपके स्केल में होने चाहिए पूरा प्रश्न। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्वे क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक आइडियल क्वेश्चन है डेटा कलेक्शन के लिए, ये बड़े भी हो सकते हैं, इसमें ये प्रश्न जहाँ पर दो हैं ये पाँच दस कितने भी हो सकते हैं, यहाँ भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने कम प्रश्न लिए और एक आइडियल क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश किया। इसमें कुछ पोर्सन है, ये आपका पोर्सन कहलाता है डिक्लेरेशन पोर्सन, जिसमें आप डिक्लेरेशन देते हो। ये आपका पोर्सन कहलाता है आपका डेमोग्राफिक, ये आपका कहलाता है परसेप्शन, ये वाला, ये दोनों सेम है परसेप्शन, ये होता है आपका सिग्नेचर ही। ठीक है, तो ये चार पोर्शन है इसमें। तो आप देखेंगे हमने डेटा यहाँ से कलेक्ट शुरू करेंगे, यहाँ तो हम डिक्लेरेशन से यहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आपका ये डेमोग्राफिक है, ये आपका परसेप्शन है जिसे हम रैंकिंग और रेटिंग में डिवाइड किया, लेकिन ये रेटिंग है क्योंकि हम रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कहाँ पर कौन सा टेस्ट बन सकता है। सपोज कीजिएगा जब हम रिलायबिलिटी लगानी है तो हमारे पास क्या है, सारे सारा स्केल का डेटा है, यानी कि ये लोग हम इस तरह से डेटा कलेक्ट किया, किसी ने इस तरह से हमारे पास डेटा भर के दिया है। राइट, नॉर्मली हमारे पास इस तरह का डेटा आता है, तो हम ये फिट कर देते हैं कि उसके थ्री नंबर क्वेश्चन में स्कोर चार कर दिया, पाँच में चौथे में तीन स्कोर करते हो, तो इनको हम लोग ऐसे फिट करते हैं और इनके ऊपर सभी को एक साथ सेलेक्ट किया और हमने रिलायबिलिटी लगा दी। यानी कि ये हमारा सबके एक जैसा स्केल था, पूरा स्केल में था डेटा, लिकट टाइप के स्केल में था, तो हमने इस पर रिलायबिलिटी लगा दी। लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो आप मेरी सलाह है कि जब भी आप वेरिएबल में डिवाइड करके डेटा कलेक्ट करें तो हर डेटा पर अलग अलग रिलायबिलिटी करें, यानी इन पाँच पर अलग रिलायबिलिटी, इन पाँच पर अलग। आप चाहो तो 10 पे एक साथ में निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल आपके अलग अलग हैं, तो आपके पता चले रिलायबिलिटी कब लगानी है। अब सोच करो हमको नॉर्मलिटी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, ये पांच एडवर्टीजमेंट के अलग फिनोमिना है। राइट, ये सेल्स के अलग अलग फिनोमिना है, तो इन पांचों को जोड़ देंगे हम लोग।
इन पांचों को जोड़ करके एक बैरल बना दिया एडवर्टीजमेंट इफेक्ट, इन पांचों को जोड़ करके ये बना दिया। तो सपोज करें, मान ली किसी एक व्यक्ति ने पांच इस पर पांच या पांच पांच, और उसका जो टोटल स्कोर कितना रहेगा एक व्यक्ति का, या तो 25 रहेगा या उसका पांच रहेगा। तो पांच और 25 उसका टोटल आएगा। तो हम ये पता लगाते हैं यदि उसका स्कोर जो है मीडियम से ज़्यादा है तो हम पता लगाएंगे ओवरऑल सेटिस्फाइड है। यानी कि मान लीजिए इसमें उसने पाँच पाँच और पाँच दिया, यहाँ दो और दो दिया, तो इसका मतलब यह कि ओवरऑल वो एडवर्टीजमेंट से सेटिस्फाइड है। तो ये जानने के लिए हम लोग उनको टोटल कर देते हैं, और टोटल जब भी करते हैं इनका, जैसे हमने टोटल किया एक व्यक्ति का एक रिस्पॉन्डेंट को और ऐसे 200 रिस्पॉन्डेंट का टोटल किया, तो 200 का डेटा हमारा इंटरवल डेटा बन जाएगा। तो एक बैरल ये बन गया, यानी कि इनके जोड़ से, मेरे पास समझ, इनके जोड़ से हमने ये बैरल बना दिया, इनके जोड़ से हमने एक ये बैरल बना दिया, ये दोनों हमारे लेटेंट बैरल बन गए। आप सपोज कीजिएगा कि अब ये लेटेंट बैरल है, इनके ऊपर आप नॉर्मलिटी निकाल लेंगे पहले, और आप देखेंगे आउटलायर हैं तो उनको रिमूव कर देंगे, तो आपके दो लेटेंट हो गए, ठीक है। यदि अब आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है, ये दो चॉइस हैं, तो डाइकोटोमस हो गया, तो यानी कि जेंडर, ये मैंने जेंडर लिया, जेंडर और एक इंटरवल डेटा, यानी कि आप लगाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यदि आपकी कैटेगरी एक दो तीन और चार आपकी कैटेगरी हैं, तो अब आप लगाएंगे एज ग्रुप और इसके बीच में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसके बीच में सॉरी एनोवा, इन दोनों बीच में एनोवा लगे, इंडिपेंडेंट नहीं एनोवा, और आपका डाइकोटोमस दो चॉइस वाला, ये डाइकोटोमस है, तो इनके और इनके बीच में आपका, यानी कि एक टेस्ट ये एक टेस्ट ये आपको लगेगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने किसी एडवर्टीजमेंट से पहले डेटा ये कलेक्ट किया और कुछ बाद में एडवर्टीजमेंट दिखा करके वो कुछ दिनों बाद डेटा ये कलेक्ट किया, तो यानी कि इसी के ऊपर प्री और इसी के ऊपर पोस्ट पोस्ट डेटा आप कलेक्ट करेंगे, तो आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं। और इसी तरह से अब आप लगाएं, तो जब आपके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक सॉरी हाँ आपके पास ये वाला कंटिन्यूस वेरिएबल या आपका इंटरवल डेटा एक और दोनों के बीच में दिया आप टेस्ट लगाएं, तो आप कोरिलेशन भी लगा सकते हैं, और दोनों ही इंटरवल हैं तो आप रिलेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो मल्टी कोलिनेरिटी नहीं है, आउटलायर नहीं है, तो आप इनमें दोनों में कोरिलेशन और रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। पर्पज अलग अलग दोनों का, ठीक है, अजम्पशन लगभग सेम सिमिलर है। अब आप लगाएंगे काय स्क्वायर टेस्ट, तो आपकी ये कैटेगरी और ये कैटेगरी, इनमें ये दो कैटेगरी का है, ये चार कैटेगरी, तो यानी कि जेंडर और यदि आप इसके बीच में ये वाला ओवरऑल सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी हैं, तो आपका काय स्कोर लगेगा। यहाँ आपकी चार कैटेगरी हैं और यहाँ पर दो हैं, तो आप इसके बीच में और इनके बीच में जब भी लगाएंगे तो आपके काय स्कोर ही लगेगा। इवन आप इन दोनों के बीच में ही लगाते हैं तो आपका काय स्कोर ही लगेगा, ठीक है। यदि आप इस पर लगाते हैं तो फैक्टरस भी लग जाएगा इन्हीं पर, इसके भी फैक्टर बन जाएंगे आपके, क्योंकि ये लिकट स्केल में या सिमिलर स्केल में डेटा कलेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको पता चलता है, जब भी हम क्वेश्चन बनाने से पहले हमको पता चल जाता है कहाँ किन प्रश्नों के बीच में कौन सा टेस्ट लगेगा। तो आई होप जब भी आप प्रश्न बनाएं आप ये ध्यान में रखें कि हमको कहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, ताकि आपको बाद में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें इन पर यही टेस्ट लगाना है। तो आपका प्रश्नोली डिजाइन से पहले आपको पता चल जाता है कि हमारा कौन कौन से प्रश्न हमको या कौन कौन से स्टैटिकल टूल हमको यूज करने हैं। तो आई होप समझ में आ गई हो, क्योंकि आप लोग जब भी एसपी से यूज करें तो आपको अजम्पशन बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा सारा अजम्पशन पे ही चलता है पूरा एसपीएसएस की, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही, बाकी यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच।